हेलो गाइस, आई विल टॉक अबाउट शी वॉक्स इन ब्यूटी बाय लॉर्ड बायरन। बहुत ही ज़्यादा सिंपल पोएम है। इंट्रोडक्शन की तरफ देखते हैं फटाफट। ये पोएम लॉर्ड बायरन ने एक बुक लिखी थी हिब्रू मेलोडीज़, उसमें लिखी थी शी वॉक्स इन ब्यूटी। और इस पोएम को जूइश म्यूज़िक दिया गया है, जो दिया है आइजैक नथान ने। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पोएम को जूइश म्यूज़िक मिला है, जो कि दिया है आइजैक नथान ने। और ये पोएम बायरन ने ट्रिब्यूट दिया है ब्यूटी ऑफ आर्ट को। ब्यूटी ऑफ आर्ट को वो एज अ ट्रिब्यूट ये पोएम उन्होंने लिखी है। और ये पोएम एक्चुअली बायरन एक लंदन में एक पार्टी में गए थे। जैसा कि हम जानते हैं कि बायरन बहुत शौकीन किस्म के थे और उन्हें पार्टीज अटेंड करना, घूमना फिरना, ड्रिंक करना बहुत पसंद था। तो जब वो एक पार्टी में गए रात में, तो उन्हें वहाँ पे एक लेडी मिली जो मॉर्निंग में थी, मतलब शोक में थी। और इंग्लैंड में शोक में ब्लैक कपड़े पहनते हैं, जैसा कि हम इंडिया में वाइट पहनते हैं। तो वो ब्लैक ड्रेस में थी और उस लेडी का नाम ऐसा कहा जाता है कि एन बियाट्रिस विल्मो था, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और उनकी ब्यूटी से वो इतने इंस्पायर हुए कि नेक्स्ट डे उन्होंने ये पोएम लिख डाली, शी वॉक्स इन ब्यूटी। नाउ लेट्स लुक एट द पोएम। अच्छा, एक और बात, ये आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखी गई है। आयम्बिक टेट्रामीटर जनरली भजन लिखते हैं तब इस फॉर्म को यूज़ करते हैं। तो इससे हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पोएट ने उस वुमेन को इतना ब्यूटिफुल बताया कि शी इज़ वर्थ ऑफ वर्शिपिंग, मतलब वो पूजा करने जैसी ब्यूटिफुल है, उसकी ब्यूटी इतनी ब्यूटीफुल है। पोएम शुरू होती है शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट। पोएट ये कहने की जगह शी इज़ ब्यूटीफुल पोएट कहता है शी वॉक्स इन ब्यूटी, मतलब उसका हर ढंग, हर तरीका, हर एक्शन ब्यूटीफुल है। लाइक द नाइट, रात की तरह। ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स, क्लाइम्स मतलब क्लाइमेट। शी इज़ स्पॉटलेसली ब्यूटीफुल, कोई दाग नहीं है उसमें। क्लाउडलेस मतलब स्पॉटलेस है। एंड स्टारी स्काईज, स्टारी स्काई की तरह चमक रही है, जैसे रात में तारे चमकते हैं वैसे वो चमक रही है। एंड ऑल दैट्स बेस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट, लुक एट दिस लाइन ऑफ एंड ऑल दैट्स बेस्ट ऑफ डार्क एंड लाइट ब्राइट। जो भी डार्क है उसका भी ब्यूटिफुल उसमें है, और जो भी ब्राइट है उसका भी ब्यूटिफुल इसमें, मतलब दोनों, मतलब परफेक्ट है, कोई गुंजाइश ही नहीं है कमी की। मीट इन हर आस्पेक्ट एंड हर आईज, और ये ब्यूटी उसके आस्पेक्ट में दिखती है। आस्पेक्ट मतलब फेस में दिखती है प्लस उसकी आईज में दिखती है। दस मेलोड टू दैट टेंडर नाइट लाइट, मेलोड मतलब मेच्योर हो चुकी है, और वो टेंडर लाइट है, इस तरीके से ब्यूटीफुल है कि वो आपको अच्छी लगती है। जैसा कि हम देखते हैं कि अगर सामने से कोई कार आ रही हो और उसकी ब्यूटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतनी ज़्यादा है कि हमें आंखों में चुभ रही है, तो दैट इज़ नॉट ब्यूटीफुल। बट शी इज़ सो ब्यूटीफुल दैट शी हैज़ टेंडर लाइट, उसकी जो लाइट है वो सूदिंग है, जिसे हम देख सकते हैं। विच हेवन और गॉडी डे डिनाइज, जो कि हम गॉड विच हेवन टू गॉडी डे डिनाइज, जो कि हम दिन में नहीं देख सकते उस तरह की लाइट। फॉर एन एग्जाम्पल, जब आप रात में बहुत हाइट से सिटी को देखते हैं, किसी शहर को देखते हैं, तो वो बहुत ब्राइट दिखता है, उसकी लाइट बहुत अच्छी दिखती है। लेकिन वही सुबह सन लाइट इतनी तेज़ होती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर सुबह आप किसी इमारत पे खड़े होकर, बिल्डिंग पे खड़े होकर शहर को देखें, तो वो इतना खूबसूरत कभी भी नहीं लगेगा जैसे रात की रात में खूबसूरत लगता है, क्योंकि जो रात की हल्की लाइट होती है वो बहुत टेंडर होती है, वो बहुत सूदिंग होती है। नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट कहता है वन शेड द मोर वन रे द लेस, अगर एक शेड उसका बढ़ा दिया जाए और थोड़ी सी लाइट उसकी कम कर दी जाए, तो वो ब्यूटीफुल नहीं लगेगी। व्हाट अ ब्यूटीफुल वे ऑफ सेइंग कि शी इज़ परफेक्टली ब्यूटीफुल, कितनी परफेक्टली ब्यूटीफुल है। वन शेड द मोर वन रे द लेस हैड हाफ इम्पेयर्ड द नेमलेस ग्रेस, मुझे नहीं मालूम कि वो किस तरीके की ब्यूटी है, नेमलेस ग्रेस है, लेकिन वो इम्पेयर्ड हो जाएगी, खराब हो जाएगी अगर उसमें थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हमने कर दिया। विच वेव्स इन एवरी रेवन ट्रेस, इतनी ब्यूटिफुल है कि उसके बाल भी खूबसूरत हैं, उसके गाल भी खूबसूरत हैं, उसकी आईब्रोज भी खूबसूरत हैं, एलोक्वेंट भी है, काम भी है, सॉफ्ट भी है वो, और उसकी स्माइल ऐसी है जो आपका दिल जीत ले। पोएट की एक लाइन है, द स्माइल्स दैट विन द टिंट दैट ग्लो बट टेल ऑफ डेज एंड गुडनेस स्पेंट। और ये उसकी बाहर, सिर्फ बाहर की सुंदरता को नहीं दिखा रहा है, ये एक्चुअली बाहर की सुंदरता उसकी अंदर की सुंदरता को रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब उस वुमेन का दिल भी अच्छा है, उस वुमेन की सोल भी अच्छी है।
फिर पोएट लास्ट, अगर आप लास्ट टू लाइंस देखेंगे तो ये कहती है, अ माइंड एट पीस विद ऑल बिलो, अ हार्ट हुज लव इज़ इनोसेंट. तो उसका हार्ट भी प्योर है और ब्यूटिफुल है. तो जो भी चीज़ें प्योर होती है वो वर्शिप करने लायक होती हैं, वो भगवान का रूप होती हैं. तो पोएट ऐसे ही कहता है कि अ माइंड एट पीस विद ऑल बिलो, अ हार्ट हुज लव इज़ इनोसेंट. सो शी इज़ सो ब्यूटिफुल, शी इज़ ब्यूटिफुल इनसाइड आउट. हर तरीके से वो ब्यूटीफुल है. और इसे जस्टिफाई होता है कि इट इज़ रिटन, वाई इट इज़ रिटन इन आयम्बिक टेट्रामीटर. सिर्फ फॉर्म नहीं लेकिन फॉर्म की थीम को भी पोएट ने बहुत ब्यूटिफुली इस पोएम में कैरी आउट किया है. वेल, इन अ वेरी शॉर्ट इन 30 seconds आई विल टेल यू वंस अगेन द समरी ऑफ द पोएम. बहुत ब्यूटिफुल है जिस वुमेन को पोएट डिस्क्राइब कर रहा है. इतनी ब्यूटिफुल है कि रात में, रात की तरह ब्यूटिफुल है, रात की रानी जैसी है. और उसके ब्यूटी ऐसी है कि वो स्पॉटलेस ब्यूटी है. और रात में जैसे तारे हो जाते हैं वैसी वो ब्यूटीफुल है. और उसके गाल से लेके, बाल से लेके, उसके आईब्रोज से लेके, सब कुछ ब्यूटीफुल है. और सिर्फ बाहर से ब्यूटीफुल नहीं है, वो अंदर से भी ब्यूटीफुल है. थैंक यू सो मच. इफ़ यू हैव लाइक्ड माई वीडियो प्लीज़ डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब. थैंक यू.